हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं रूह अफ़ज़ा, जो एकदम ही हम जैसा मार्केट से लेकर आते हैं वैसा बनकर तैयार होगा। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा जिससे रूह अफ़ज़ा एकदम ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इसको आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो आप पूरी गर्मी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बनाने के बाद में आप इसको ठंडा करके बोतल में भरकर रख लें और इसको पूरी गर्मियों में आप इस्तेमाल करें। और कम से कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा सामान बटोरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ही सिंपल सादी सामग्री जो हमेशा अपने घर पर उपलब्ध रहती है, तो उसी सामग्री से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कोई भी स्टील का पतीला ले लेंगे, कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसमें पूरी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 कप भरकर पानी। पहले मैंने 1.5 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर हमें 1.5 ही कप शक्कर डालनी है। तो पहले मैं इसके अंदर 1.5 कप शक्कर डाल रही हूँ। पानी और शक्कर की मात्रा हमने यहाँ पर एकदम बराबर ली है। अब इसको हम चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये शक्कर जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए। अभी गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आ जाए, क्योंकि इसके अंदर उबाल आएगा तो इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करके लेना है। कोई तार वाली चाशनी हमें इसकी नहीं बनानी है, लेकिन ये जो चाशनी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शक्कर जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें शक्कर के दाने नहीं बचे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमने 1/2 छोटा चम्मच ली है टाटरी, इसको नींबू सत भी बोलते हैं। ये हर जगह मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 नींबू का रस इसके अंदर डाल लें। उसके बाद में हमने ये 2 से 3 पिंच के बराबर नमक डाला है, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अभी ये गाढ़ी नहीं हुई है, अभी हमें इसको थोड़ा सा और उबालना है। जब तक ये गाढ़ी हो तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देती हूँ। तो ये जो हमने कप से शक्कर और पानी मापा था, इसी कप से हमने 1.5 कप शक्कर और 1 कप पानी और ले लिया है। और पानी को हमने गर्म करके और उसके अंदर शक्कर डालकर भिगो कर छोड़ दी है, ताकि जब तक हमारी ये चाशनी गाढ़ी होगी तब तक वो शक्कर मेल्ट होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब आगे का प्रोसेस करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, जो पानी में हमने शक्कर भिगो के रखी थी वो इस समय हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि कई बार क्या होता है, हम चाशनी बनाकर रख देते हैं और वो जम जाती है, तो वो इस तरह की नहीं होगी। ये एकदम ही जो मार्केट से हम रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आते हैं उस तरह का रूह अफ़ज़ा हमारा बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए हमने ये ऐसा प्रोसेस किया है, वरना हम एक साथ भी इसको उबाल सकते थे, लेकिन उससे आपका रूह अफ़ज़ा इस तरह का बनकर तैयार नहीं होगा जैसा हम बनाने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका रूह अफ़ज़ा जो है एकदम ही मार्केट वाले रूह अफ़ज़े के जैसा बनकर तैयार होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 से 7 ड्रॉप इसके अंदर हम डालेंगे रेड फूड कलर। और इसके बाद में हमें इसके अंदर गुलाब जल डालना है। तो हमने यहाँ पे ये गुलाब जल की बोतल ले ली है, तो इसी में से हम 3 से 4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे गुलाब जल। तो इससे इसके अंदर जो है वो एकदम ही रूह अफ़ज़ा वाला फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप इसके अंदर बिल्कुल 3 से 4-5 ड्रॉप इसके अंदर आप केवड़ा एसेंस की डाल दें, तो उससे इसका टेस्ट और भी बेटर हो जाता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और रूह अफ़ज़ा का जो कलर है वो कलर पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का कलर यूज कर रहे हैं। और अब इसको हमें खाली जब तक पकाना है, जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए, खाली 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बनकर तैयार हो गया है, इसको हम ठंडा होने देंगे। हमने गैस से नीचे उतार लिया है इसको। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अभी ये बहुत गर्म है इसलिए आपको थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होएगा तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे हम बोतल का रूह अफ़ज़ा लेकर आते हैं उसी तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ठंडा हो गया है, यहाँ पे ये देखिए, आप इसको देख रही होंगी, ये एकदम जैसा हम बाज़ार से लेकर आते हैं बोतल में उसी तरह का बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बोतल में भरेंगे। बोतल में भरने से पहले ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इसको गरम गरम नहीं भरना है, नहीं तो ये ख़राब होने लग जाएगा। इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से ठंडा करें, उसके बाद में आप इसको बोतल में भरकर ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख लें और आप पूरी गर्मी इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब इससे हम आपको शरबत बनाना बताएंगे। शरबत बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी, तो पहले वो हम ले लेते हैं इधर, फिर हम शरबत बनाएंगे।
तो सबसे पहले हम कांच के गिलास में 3 छोटे चम्मच ये जो शरबत हमने बनाकर तैयार किया है यानी रूअपचा, इसको गिलास में डालेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 4 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच में ये एकदम ही परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होता है। उसके बाद में हमने ये सब्जा के बीज लिए थे 2 छोटे चम्मच, उसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर भिगो कर छोड़ दिया था, तो ये इस तरह के तैयार हो गए हैं। कहीं कहीं पे इसे चिया सीड के नाम से भी बोला जाता है। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर ये डालेंगे और 4 से 5 स्लाइस हम इसके अंदर आइस की डालेंगे, आइस क्यूब जितना ठंडा आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे इसके अंदर दूध, इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है, आप इस तरह से एक बार रूअफजा बनाकर रख ले और पूरी गर्मी आप इस तरह से शरबत बनाकर पी सकते हो। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा रूअफजा पीना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप किसी को बिना बताए ये पिला देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने घर में बनाकर तैयार किया है या फिर आप बाजार से लेकर आए हैं। तो आप भी इस तरह से रूअफजा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।